गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको साइंस क्लास 8 लेसन 1 फसल उत्पादन के बारे में बताएंगे। ये लेसन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जा चुका है और यहाँ केवल आपको आज हम इस लेसन को बताएंगे और इसको केवल आपको समझना है। तो देखिए, आज हम चूँकि हमारा टॉपिक है लेसन है फसल उत्पादन, तो आज हम फसल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ पर 70% जो जनसंख्या है या 70% जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है, अर्थात आप कह सकते हैं फसल पर आधारित है। तो हमारी कुछ 3 महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये फसल पर आधारित हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि फसल से हमारी सभी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। तो आज हम जानेंगे फसल है क्या। तो फसल में हमको 3 टॉपिक जानना है, मिट्टी तैयार करना, बीजों का चुनाव करना और मृदा के पोषक तत्व। ये 3 टॉपिक पर हम आज आपको समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पहले प्राचीन समय में जो मनुष्य हुआ करता था वह खेती पर ना आधारित होकर वो इधर उधर जीव जंतुओं को मारता था और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता था। लेकिन जैसे जैसे 10,000 ईसा पूर्व पहले फिर यह माना जाने लगा कि धीरे धीरे जो व्यक्ति थे वो नदी के किनारे बसना शुरू हुए और नदी के किनारे बसने के पश्चात वो धीरे धीरे उसके किनारे खेती करने लगे, अर्थात तभी से माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व पहले खेती का प्रचलन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो तब से फसल जो है उगाई जाने लगी। तो इस तरह धीरे धीरे फसलों में गुणवत्ता आने लगी और मनुष्यों में विकास होने के फलस्वरूप खेती में विकास होता गया और धीरे धीरे यह बहुतायत मात्रा में फसलें उगाई जाने लगी। तो अतः फसल जो है उनमें आपको, चूंकि हम आज 3 टॉपिक के बारे में फसल में चर्चा करेंगे जिसमें पहला टॉपिक है मिट्टी तैयार करना। तो फसल किसे कहते हैं पहले आप जान लीजिए कि जब किसी एक ही किस्म के पौधों को एक ही जगह पर जब उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने फसल के बारे में जाना। अब आपको हम चूंकि आप जानते हैं कि फसल को तैयार करने में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बीजों का चुनाव करना, मृदा के पोषक तत्व। ये जो 3 कारक हैं ये फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले फसल उगाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले महत्वपूर्ण है मिट्टी तैयार करना। क्योंकि जब तक हम मिट्टी तैयार नहीं करेंगे तब तक, और फसल के लिए सही मिट्टी नहीं होगी तो आप फसल अच्छी गुणवत्ता की नहीं होगी। तो अच्छी गुणवत्ता में उत्पादन के लिए हमें मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। तो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो पहले सबसे पहले आप जान लीजिए मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं। मिट्टी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक बलुई मिट्टी, ठीक है, दूसरी है चिकनी मिट्टी और दूसरी है तिकनी मिट्टी, तीसरी है दोमट मिट्टी। तो बलुई मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, और जिसमें बालू की मात्रा कम होती है उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, और जिसमें बालू और चिकनी मिट्टी दोनों मिक्स होती हैं, मिश्रण पाया जाता है, उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। तो इसलिए ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के लिए भिन्न भिन्न जो फसलें होती हैं वो अच्छी तरह उगती हैं। तो आप इसमें, हम चूंकि मिट्टी तैयार करने के बारे में बता रहे हैं तो अब हमने मिट्टी के बारे में बताया मिट्टी कितनी प्रकार की होती हैं, अब आपको हम बताएंगे कि मिट्टी तैयार कैसे की जाती है। तो जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अनावश्यक खरपतवार होते हैं, और या आप मान लें कि मिट्टियों में बहुत बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, छोटे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको छोटे कणों में परिवर्तित करने के लिए, बहुत बड़े बड़े कण होते हैं उनके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करने के लिए उसको हम जुताई करते हैं, तिकोनिया हैरो के द्वारा जुताई की जाती है, जिसे आप हैरो कहते हैं।
हम तिकोनिया हर की हैरों की सहायता से उसको हम जुताई की जाती है, और जुताई के फलस्वरूप क्या होता है, वो जो बड़े बड़े कण होते हैं मिट्टी के, बड़े बड़े कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिससे कि हमें फसल बुआई के लिए हमें मिट्टी तैयार, जिससे हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपने जाना कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। तो बड़े बड़े जो कण होते हैं या खरपतवार होते हैं उनको दूर करने के लिए, और बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करने के लिए, जिससे कि फसल की बुआई अच्छी हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी तैयार करना कहते हैं। तो आपने जाना कि मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। अब आपको हम बताएंगे बीजों का चुनाव कैसे करते हैं। तो बीजों का चुनाव कैसे किया जाता है, तो आप जानते हैं कि एक अच्छी गुणवत्तापूर्वक उगाई जाने वाली फसल के लिए बीजों का चुनाव करना आवश्यक होता है। तो बीजों का चुनाव कैसे किया जाता है जानेंगे आप, कि सर्वप्रथम हम बीजों को, जिस बीज को हमें बोना है मिट्टी में, उसको हम बीज को लेते हैं और उसको हम किसी जल में उसको उन बीजों को डाल दिया जाता है कुछ क्षण के लिए, और कुछ क्षण के पश्चात हम यह देखते हैं कि जो बीज नीचे तली में बैठ जाते हैं, और कुछ बीज जो होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं। तो जो बीज जल में तैरते रहते हैं वो बीज उच्च गुणवत्ता वाले बीज नहीं होते, उनको हम अलग कर लेते हैं। जो नीचे तली में बैठ जाते हैं, अर्थात भारी जो बीज होते हैं नीचे तली में बैठे रहते हैं जल में, वो उच्च गुणवत्ता वाले बीज माने जाते हैं। तो हम उन बीजों को लेते हैं और उन्हीं बीजों की बुआई करते हैं। तो बुआई के भी दो तरीके होते हैं, एक तो बिखेर कर बुआई की जाती है, और एक दूसरा हैरो के द्वारा थोड़े थोड़े अंतराल पर बुआई की जाती है। तो इस प्रकार से बीजों का चुनाव करके हम बुआई करते हैं। उसके बाद मृदा के पोषक तत्व, चूंकि आप जानते हैं आपने मिट्टी तैयार कर ली, बीजों का चुनाव कर लिया, तो जो मृदा है अर्थात मिट्टी है उसको भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हम हैं, हमको जीवित रहने के लिए और अपने विकास के लिए हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसल उत्पादन के लिए भी, बीजों के विकास के लिए एवं पौधों के विकास के लिए मृदा के की आवश्यकता पड़ती है। तो मृदा को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो वे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो तीन प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहला आपका है मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व, तीन प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में आपके आते हैं कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन मुख्य पोषक तत्व हैं जो कि हमें वातावरण से प्राप्त होते हैं, जो कि मृदा को वातावरण से प्राप्त होते हैं। और नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटेशियम है जो कि मृदा को, मतलब मिट्टी को, भूमि से प्राप्त होते हैं। तो ये मुख्य पोषक तत्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये वातावरण से भूमि मृदा को प्राप्त होते हैं। और नाइट्रोजन व फास्फोरस ये मृदा को भूमि से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। और दूसरे हैं गौण पोषक तत्व। तो गौण पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये गौण पोषक तत्व आते हैं क्योंकि ये कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं मृदा में। तो फिर भी इनकी कमी से क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो अधिक विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये गौण पोषक तत्व की कैटेगरी में इनको रखा गया है। उसके बाद तीसरा आपका है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं बहुत कम मात्रा में मृदा में पाए जाते हैं या पौधों को कम मात्रा में उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपके हैं जैसे लोहा है, तांबा है, जिंक है। ये भी किसी भी फसल के विकास में सहायता करते हैं और ये बहुत कम मात्रा में पौधों की इनकी आवश्यकता होती है। तो ये सभी पोषक तत्व हैं जिनसे कि फसल जो होती है वो अच्छी गुणवत्तापूर्वक होती है। ठीक, तो इस प्रकार से मिट्टी तैयार करना, बीजों का चुनाव करना आपको हमने बताया, और मृदा को कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं उनके बारे में आज हमने आपको बताया। और आपको हम बता दें कि फसल जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, एक खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक, आपको हम फसल के बारे में बता रहे हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक, तो खरीफ फसल जो होती है वह फसल है जो जून से अक्टूबर में उगाई जाती है। तो जून से अक्टूबर माह में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं।
जून से अक्टूबर माह में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं और नवंबर से अप्रैल में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं और मार्च से जून माह में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। तो इस प्रकार से खरीफ फसल में मक्का, चावल और मूंगफली आदि आदि बीजों को उगाया जाता है, मतलब आदि फसलों को उगाया जाता है। जैसे खरीफ फसल में ये फसलें आती हैं, मक्के की फसल, चावल की फसल और मूंगफली की फसल, तो ये आपकी खरीफ फसल में आती हैं। और रबी फसल में गेहूं, सरसों, आलू आदि की फसलें आती हैं और जायद फसल में मूंग, उड़द आदि की फसलें आती हैं। तो आपको हमने इस प्रकार से फसलों के बारे में बताया और आपको मिट्टी फसल के लिए सर्वप्रथम मिट्टी तैयार करना कैसे तैयार की जाती है, ठीक, उसके बारे में बताया। बीजों का चुनाव कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। मृदा के पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताया। आज हम इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे जो भी फसल के कारक हैं उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।